विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास। शिवसेना सांसद इस वक्त हमारे साथ है प्रियंका चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, आपने सेबी को चिट्ठी भी लिखी थी, आज प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि इस पर जेपीसी बन पाएगी? अगर नहीं बन पाती है तो आप समझ जाइएगा कि आज अदानी के साथ पार्टनरशिप में कौन है, अदानी जी के साथ कौन साथ खड़ा हुआ है, वो है केंद्र सरकार। जनता उनसे पूछेगी कि 2014 से लेकर 2023 तक आज आपने पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, नेचुरल रिसोर्सेज दे दिए, कोल दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, अपने सारे जो देश की धरोहर है आपने उनके हवाले कर दी, किस आधार पे की? जनता उनसे पूछेगी कि 7 विदेशी कंपनियां अपना पूरा का पूरा स्टॉक एक ही कंपनी में पार्क करती थी, वो स्टॉक मैनिपुलेशन, स्टॉक ओवर प्राइसिंग कैसे हुआ? जनता उनसे ये पूछेगी कि आपने SBI, LIC और नेशनलाइज बैंक्स को इनको प्रॉप अप करने का वो कारण दिया, क्यों दिया? तो ये जनता का $100 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैपिटल नष्ट हुआ है। जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आप JPC से क्यों भाग? लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार की ओर से कहा गया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, और इस मामले पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, धन्यवाद किस बात का करें कि आपने अदानी के हाथ में सब कुछ लौटा दिया है? धन्यवाद किस बात का करें कि जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई आज कौड़ियों के भाव गिर रही है, आज एक ही संगठन को सारा वो मिल रहा है, काम मिल रहा है, सारे देश की धरोहर चलाने का मौका मिल रहा है, और बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, मैं कहूँगी इंडस्ट्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कंप्लायंसेस नहीं फॉलो करें तो जांच के घेरे में आते। तो गतिरोध बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर अपने विपक्ष की ओर से तेवर दिखा रही थी और मांग कर रही थी कि JPC बननी चाहिए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।